आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। मकर संक्रांति के अवसर पर गोरक्षपीठाधीश्वर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्म मुहूर्त में गुरु गोरक्षनाथ को चढ़ाया आस्था की पहली पवित्र खिचड़ी। प्रदेशवासियों को दी मकर संक्रांति की बधाई व शुभकामनाएं। नागरिकों से की अपील, कहा बहुत आवश्यकता पर ही निकले घर से बाहर, कोविड प्रोटोकॉल का करें पालन। सदर विधानसभा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रत्याशी बनाए जाने पर भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, महिला आयोग की उपाध्यक्ष, व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष, कुशीनगर के सांसद, डुमरियागंज विधायक, ग्रामीण विधायक, पिपराइच विधायक, पूर्व महापौर सहित क्षेत्रीय अध्यक्ष ने की खुशी जाहिर। जनपद वासियों के तरफ से केंद्रीय नेतृत्व को दी बधाई व शुभकामना। सीएम योगी ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज के ऑक्सीजन युक्त 500 बेड के डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल का किया निरीक्षण, कहा कोविड की प्रथम और द्वितीय वेव के प्रबंधन में मिले अनुभव के लाभ से पूरी कुशलता और सफलता से रोका गया है थर्ड वेव को। कोविड से बचाव का वैक्सीन है सर्वोत्तम उपाय, सभी लोग जरूर लगवाएं टीका। मकर संक्रांति के अवसर पर हजारों की संख्या में गोरखनाथ मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं ने गुरु गोरखनाथ को चढ़ाया आस्था की पवित्र खिचड़ी। गोरखनाथ बाबा से संसार से कोरोना महामारी को दूर करने की कामना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर सदर विधानसभा से प्रत्याशी बनाए जाने पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और ढोल नगाड़ा बजाकर खुशी का इजहार कर प्रकट किया केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का विशेष रूप से आभार। गोरखपुर में शनिवार को पाए गए 377 नए कोरोना संक्रमित मरीज, जिले में एक्टिव केस की संख्या हुई 2465। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने की पुष्टि। गोरखनाथ पुलिस ने एसएसबी जवानों के साथ आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को सकुशल संपन्न कराने के लिए हुमायूंपुर मोहल्ले में किया फ्लैग मार्च, नागरिकों को दिलाया सुरक्षा का एहसास। तेरह जनवरी को अरशद खान के ऊपर पैसे के विवाद में जान से मारने की नियत से गोली चलाने वाले शातिर अभियुक्त शेखर त्रिपाठी को राजघाट पुलिस ने किया गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त पिस्टल व खोखा किया बरामद, भेजा जेल। और मकर संक्रांति पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए मुस्तैद रहे हिंदू युवा वाहिनी। प्रदेश महामंत्री ने कहा कि हर वर्ष पूरे देश से 8 से 10 लाख श्रद्धालु गोरखनाथ बाबा को चढ़ाने आते हैं आस्था की पवित्र खिचड़ी। आज के दिन का है विशेष महत्व।